नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका अंतर्गत शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए दिन रात प्रयत्न करने वाली नगरपालिका के लिए सागवाड़ा शहर की गंदगी चुनौती भरी नजर आ रही है। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद, निवेदन करने के बावजूद शहर में कुछ लोग अभी भी सफाई व्यवस्था में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर समस्या गामठवाड़ा रोड पर स्थित सब्जी बाजार की नजर आई, जहां पर सड़क के दोनों किनारों पर सब्जी की ठेला गाड़ियां लगती हैं। जगह जगह पर सब्जी का कचरा नालियों में सड़ता हुआ नालियों को अवरुद्ध करता हुआ नजर आया। गंदगी के बीच गोवंश खराब पड़ी सब्जी के कचरे में पड़े टमाटर को खा रही है और उसमें प्लास्टिक की थैली और चूड़ी, टूटी हुई कांच के टुकड़े भी नजर आ रहे हैं। गोमाता की इस दयनीय दशा को देखने के बाद भी किसी व्यक्ति को अगर सफाई रखना पसंद नहीं आया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सफाई के बारे में कुछ दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे कचरे को हटाने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए पूरी रिपोर्ट। बुरानी गारमेंट से बोल रहे हैं सर? हाँ, सागवाड़ा लाइव न्यूज से जितेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। आपने जो धंधा किया इसके बाद पूरा कचरा आपने बाहरी बिखेर रखा, पूरा नाली में गिरा जाकर पूरे आपके डिब्बे गारमेंट्स के। हाँ, तो सागवाड़ा शहर में साफ सफाई अगर रहे तो कितना बढ़िया रहे। सर गाड़ी नहीं आती, हम बार बार सुबह से मैं रात देख रहा हूँ। नहीं सर, ये गाड़ी का बिल्कुल उदाहरण आप मुझे मत दीजिए। ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है बिल्कुल लाइव न्यूज में दिखाऊंगा, आपका कचरा मैं निकाल के मैं ले जाके सागवाड़ा शहर के बाहर फेंक के आऊंगा। आप गाड़ी का क्यों बोलते हैं ये बताइए मुझे। क्या मेरे घर पे गाड़ी नहीं आएगी तो मैं कचरा नहीं हटाऊंगा, घर के अंदर पड़ा रहने दूंगा ये बताइए मुझे। चलो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है, कोई करवाइए इसे, नहीं तो मैं निकाल के ले जाता हूँ और पूरे सागवाड़ा को दिखाऊंगा इसको। कल से मैं इंतजाम कर दूंगा, दूसरा इंतजाम करूंगा कल से मैं। करवाइए ना सर, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, जब जिम्मेदार नागरिक हैं। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं आप मुझे। हेलो ईशु भाई, बोलो। सागवाड़ा लाइव न्यूज से जितेंद्र बात कर रहा हूँ। जी सर बोलिए। दुकान के आगे इतना गंदा आप करके गए हो, कचरा फैला के गए हो, अखबार के टुकड़े बिखेर के गए हो, तो ये किसके लिए करके गए हो? पूरे गोल चौराहे पे उड़ रहा है ये कचरा आपका। जी जी सर, मैं अभी आके ठीक कर दिया सर, अभी आया 2 मिनट में सर। हाँ तो जल्दी आओ आप। ओके ओके, ये आया सर, ये आया, ये आया। महालक्ष्मी वस्त्र भंडार, गामठवाड़ा रोड, सागवाड़ा। सागवाड़ा लाइव न्यूज आपकी जिम्मेदारी को सैल्यूट करता है। जब आप अपनी दुकान से घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपने कचरे को समेट कर कचरे के डिब्बे में डालकर जिम्मेदारी निभाई, सैल्यूट है आपको। ये कि आपने अपनी दुकान बंद करते समय कचरा कहाँ? मैंने तो अपनी दुकान के जो भी कचरा था उसको समेट करके मैंने व्यवस्थित उसको बांध करके नगर पालिका के कचरा पात्र में उसको डाल दिया है और अपनी दुकान की सफाई के लिए उसको पहले से कल के लिए तैयारी पूरी कर ली है। और कचरा जो आए दिन लोग दुकानदार अपना कचरा जो रोड पे छोड़ करके चले जाते हैं, उसको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम अपने दुकान का निकला हुआ कचरा या अपने घर का निकला हुआ कचरा कम से कम उसको तो नगर पालिका ने जो व्यवस्था कर रखी है उसको उन कचरा पात्रों में डाला जाए, जिससे कि स्वच्छ रहेगा शहर। और आगे से भी सभी व्यापारियों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम अपनी दुकान का या अपने घर का निकला हुआ कचरा वो बांध करके व्यवस्थित रख करके या तो नगर पालिका की गाड़ी में डालें या नगर पालिका ने जहाँ पर भी अपने डब्बे रोक कचरा पात्र छोड़ रखे उसमें डाले जाए, जिससे कि नगर की सुंदरता दिखे। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण गोगरोथ है और मेरी फर्म का नाम महालक्ष्मी वस्त्र भंडार है। मैं गामठवाड़ा निवासी हूँ। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।